गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स. उसमें हम आए थे फैक्टर मेथड 2. इन दिस मेथड वी ट्राई फाइंड नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर. लेट्स अस ट्राई टू फाइंड ए फैक्टर 24 बाय दिस मेथड. जैसे 24 है, अब 24 जिसमें जिसमें आते हैं वो हमारे फैक्टर हुए. जैसे 1 आएगा, 2 में 12 टू ज़ा आया 24, 3 में 8 3 ज़ा 24, 4 में 6 4 ज़ा 24 और खुद 24, यानी 1 2 3 4 6 8 12 और 24. जहाँ जहाँ 24 आएगा वो हमको लिखना है. ऐसे ही 72 है, 72 जहाँ जहाँ आएंगे, जैसे 1 में आते हैं 2, 36 टू ज़ा 72, 24 3 ज़ा 72, 84 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72 और 9 8 ज़ा 72. यानी उसके फैक्टर क्या क्या हुए, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 12 18 24 36 और 72 इसके फैक्टर हुए, बराबर. अब ऐसे ही 15 का है फैक्टर, तो 15 के फैक्टर में एक तो 1 होगा, 3 होगा और खुद 5 और खुद 15, बराबर. फिर ये 45 के फैक्टर है. ऐसे ही सेम टू सेम तरीके से करना है. जहाँ जहाँ 45 आते वो पूरा हमको लिख देना है. ये एक्सरसाइज 7.3 हमको कंप्लीट करनी है. मैं आपको जो व्हाट्सएप पे होमवर्क देने वाली हूँ 7.3 का, कंप्लीट कर देना आप. फिर यहाँ है एग्जांपल 1 है 18 और 24 के फैक्टर. तो पहले 18 के फैक्टर हम निकाल देंगे, जैसे 6, 9 और 18. और 24 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 और 24. उसमें से कॉमन निकालना है, यानी सेम टू सेम क्या है, तो कॉमन फैक्टर है 1 2 3 एंड 6 जो सेम आते हैं. फिर यहाँ है 70 के फैक्टर में खाली ओनली 71 70 होता है और कुछ नहीं होता. फिर ये एग्जाम्पल 3 है, उसमें एस सी एफ ढूंढना है हमको 24 40 एंड 56 के. कॉमन तीनों में कॉमन फैक्टर है 24 14 एंड 56 आर 1 2 4 एंड 8. उसमें द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग दिस इज 8. 74 एक्सरसाइज है तुम्हारी, ये तुमको फिनिश कंप्लीट करनी है. ट्रू और फॉल्स है, सर्कल द कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट देम और एस सी एफ. सेम तरीके से जैसे एग्जांपल में दिया है, हमने बताया मैंने कॉमन ढूंढना है, फिर एस सी एफ उसका लिखना है ग्रेटेस्ट करके. 7.4 तक हम यहाँ रखते हैं. फिर ये 7.5 है, ये मैं आपको होमवर्क में फ़ोटो में भिजवाऊंगी, आपको कंप्लीट करना है. ये हमारा 7 चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. अब 8 का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.